भगवान है, हर जगह भगवान है कि नहीं है? तो फिर गोबर के गणेश क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका पूरा साइंटिफिक रीजन ये है कि गोबर लाइव होता है, समझ रहे ना? और गोबर का जब हम गणेश बनाते हैं तो पूजा तो हमें करनी है साहब, मूर्ति की करो चाहे किसी भी की करो, तो गोबर से इसलिए जोड़ दिया गया कि गणेश बनाने के लिए गोबर को हम उठा के लाएंगे और गणेश जी की जो भाव है, पूजा करने का भाव है, जो वो गोबर में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? और दूसरी बात, गोबर जब वहां पर रखा जाएगा तो जो पॉजिटिव एनर्जी गोबर में होगी, उस पॉजिटिव एनर्जी से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शुभ कार्य में बाधा पैदा नहीं कर पाएगी। ये है उसका साइंटिफिक। सर क्लास में तो टीचर जो सबसे कमजोर स्टूडेंट होता है उसको गोबर गणेश। देखो ऐसा है, उन टीचरों को मालूम नहीं है, अगर ये बात मालूम चल जाए तो वो पहले नंबर खुद को बोले। यही तो मामला गड़बड़ है। वही लड़का खेती करता है। हाँ, तो गोबर के गणेश इसलिए बनाए जाते हैं कि क्योंकि देखो वैवाहिक बंधन होता है जो, वो एक शुभ कार्य होता है। अगर हम अपने वैदिक संस्कृति और सभ्यता के आधार पर देखें तो ये एक शुभ कार्य है, ठीक है कि नहीं? तो शुभ कार्य में कोई बाधा ना डले, कोई गलत नेगेटिव एनर्जी जो है ना, उस शुभ कार्य में कोई बाधा क्रिएट ना करे, इसलिए गोबर को वहां पर रख दिया जाता है। उस गोबर का केवल और केवल इतना ही मतलब है, गणेश जी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पूजा से कोई लेना देना है, केवल इतना मतलब है कि वहां पर रख दिया तो वो शुभ कार्य होगा, उसमें कोई अशुभ या कोई गलत नेगेटिव एनर्जी आपके शुभ कार्य में कोई बाधा नहीं डालेगा। इतना साइंटिफिक है ये, सोचो। अब जो लोग घरों गोबर के घरों में लिपे घरों में सोते हैं तो उनको ना डायबिटीज होती, ना उनको कैंसर होता, ना बीपी होती, ना हार्ट अटैक होता, ना और कुछ होता तामझाम। आप जाके आप देख लो, अभी भी आप सर्वे करने बैठ जाओ, एक ही गांव में जो लोगों के पास सीमेंट के घर हैं और जिन लोगों के पास मिट्टी के गोबर के लिपे हुए घर हैं, आप बिल्कुल चुपचाप जाके जजमेंट कर लेना। 100 परिवारों में जाना जो गोबर के लिपे हुए घरों में रहते, कच्चे घरों में, और उसी गांव में 100 परिवारों में जाना जो सीमेंट के घर में रहते हैं, और सर्वे कर लेना किसका मेडिकल बिल कम और ज्यादा है या जीरो है या ज्यादा है। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा, अपने आप अंदाजा लग जाए कि गोबर में लिपे वाले हुए व्यक्तियों के कितने हार्ट अटैक के पेशेंट हैं और जो सीमेंट के में रह रहे हैं उनको कितने की तकलीफ है, ये खुद से सर्वे कर ले। तो इतना साइंटिफिक है ये चीज, बहुत ही साइंटिफिक है। तो हमने गायों की नस्लों को कंटामिनेटेड करके हमने सूर्य केतु नाड़ी को ध्वस्त कर, समझ रहे ना? अब सोचो वो ध्वस्त करने से कितना कितना मामला गड़बड़ा गया, है ना? गोबर अब जर्सी गाय के गणेश बनाए जा रहे, जर्सी गाय के गणेश बनाएंगे तो अशुभ तो वो पहले ही हो गया, समझ रहे ना? इसलिए आज जो है ना 40% शादियां जो है ना ऐसे ऐसे हो रही है, समझ रहे ना? और 10-20% तो जो है ना टूटी जा रही है, सर, है कि नहीं? शहरों में तो बनाते ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तो शहरों में ये सबसे ज्यादा है। तो बॉम्बे में है ना मुम्मा देवी मंदिर, वहाँ पे 10-20 खाली HF गाय रखी है और लोग जाके तो वो तो गड़बड़ है ना। इसलिए तो आप देखो, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, ऐसे हो रहा है शहरों में, है कि नहीं? तो बहुत गड़बड़ है। तो कुल मिला के जो है ना, देसी गाय में वो सामर्थ्य है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सुधार सकता है, और इतनी पोटेंशियल है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी तरह की समस्याएं हैं, हमने गहराई से बहुत सोच के देखा, बहुत अध्ययन करके देखा, हमें केवल गाय एक ऐसा जो है ना कहना चाहिए समाधान दिखा, इसकी जगह इसके आधार पर आप विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे वो केमिकल फार्मिंग की हो, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे कितनी भी तमाम तरह की बीमारियों की हो, और चाहे हमारी संस्कृति और सभ्यता की बात हो, सब तरह की मूल में आपको देसी गाय मिलेगी। आप देखोगे तो दुनिया में जितने भी जानवरों और इंसानों का ऑरा है, ऑरा मतलब बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना, उसमें आप देखोगे तो गाय का ऑरा आपको सबसे ज्यादा, ये है साहब का। आप गाय के इर्द गिर्द रहने लगो